video, I am going to explain poem 2, that is chapter number 4 of your English, The Brave Little Kite. Okay? So, here I start the poem. This poem is about two kites. The one was the big kite and the little kite. How the little kite overcomes its fear, this poem is about that. Okay? I never can do it, the little kite said, as he looked at the other high over his head. Little kite कहता है कि मैं कभी अपने life में ऐसा नहीं कर सकता ऊँचे आसमान को देखकर. I know I should fall if I try to fly. Try, said the big kite, only try. Little kite कहता है कि अगर मैं ऊँचे आसमान पर उड़ा तो मैं गिर सकता हूँ. तो big kite उसे कहता है कोशिश करो. मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कोशिश करने कह रहा हूँ. Or I fear you never will learn at all. बिग काइट कहता है कोशिश करो वरना मुझे डर है कि तुम जिंदगी में कुछ सीखोगे नहीं. बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल. लिटिल काइट कहता है मैं कोशिश तो कर लूँगा बट मुझे डर क्या है कि मैं गिर जाऊँगा. द बिग काइट नोटेड ओह वेल गुड बाय आई एम ऑफ एंड रोज टूवर्ड्स द ट्रैंक्वल स्काई. द बिग काइट उसे नोड करता है यानी सर हिलाकर कहता है अच्छा ठीक है पर मुझे तो ऊंचे आसमान में जाना ही पड़ेगा. ऐसे कहकर बिग काइट लिटिल काइट को बाय कह के शांत सा बड़ा जो आसमान था उसके तरफ उड़ने लगा. देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टीयर्ड एट अ साइट एंड ट्रेम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट. अब जैसे ही बिग काइट आसमान के तरफ गया तो लिटिल काइट समझ गया कि वो यहाँ पे नहीं रह सकता, उसे बिग काइट के पास जाना ही पड़ेगा. तो उसने अपने आप को थोड़ा सा हिलाया, स्टीयर करना यानी थोड़ा सा हिलना. हिलते हुए शेक ट्रेम्बलिंग करते हुए यानी कांपते हुए, जब हम डर के मारे कांपते हैं ना वैसे ही वो कांपते हुए वो धीरे धीरे ऊंचे आसमान की तरफ जाने लगा. फर्स्ट व्हर्लिंग एंड फ्राइटनिंग देन ब्रेवर गॉन अप अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्टेडिली. गोल गोल घूमते हुए डरते हुए वो धीरे धीरे आसमान पर ऊंचा जाता गया हमारा लिटिल काइट, और हमारा जो बिग काइट था वो आसमान पर ऊंचा चला गया था. उसने नीचे देखा तो उन्होंने किसको देखा, उस लिटिल काइट को, कि लिटिल काइट अब धीरे धीरे कहाँ आ रहा है, उनके पास ऊपर आ रहा है. इसका मतलब वो अपने डर का सामना कर रहा है. Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side. थोड़ी ही देर में हमारा जो little kite था वो एकदम ऊंचे आसमान में big kite के पास पहुंच गया. अब वो दोनों एक साथ साइड में ही, एक दूसरे के साइड में ही आसमान पर उड़ रहे हैं. While far below he could see the ground and the boys like a small spots moving around. और उसी के साथ साथ हमारा little kite जब नीचे ज़मीन पर देखता है तो वहाँ पे कुछ लड़के खेल रहे थे, बट वो अब आसमान पर इतना ऊंचा पहुंच चुका है कि वो बच्चे उसे स्पॉट यानी धब्बे जैसे लग रहे हैं. दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर. ओ हाउ हैप्पी आई एम द लिटिल काइट क्राइड एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड. वो दोनों ऊंचे आसमान पे चले जाते हैं, वहाँ पे आराम करते हैं हवा के बहाव में, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स और क्लाउड्स थी और कुछ भी नहीं था. और लिटिल काइट चिल्ला कर कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ. खुश क्यों हूँ कि मैंने कोशिश की. अगर मैं कोशिश ही नहीं करता, अगर मैं हिम्मत नहीं दिखाता तो मैं यहाँ पे ऊंचे आसमान पे आता ही नहीं. ऐसा कहता है द लिटिल ब्रेव काइट. ये जो पोयम है, ये पोयम से हमें ये सीखने मिलता है कि हमें डर के मारे कोशिश करने से रुकना नहीं चाहिए. हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए. अगर हम हमारे फियर को ओवरकम करेंगे तो क्या पता हमें कुछ बहुत ही अच्छा मिल जाए. ओके, सो दिस वॉज योर पोएम. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.